दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में जब ब्रूक्स खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे तभी कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद दीपक हुड्डा के हाथ में दे दी और फिर दीपक हुड्डा ने अपने कप्तान रोहित शर्मा को निराश नहीं किया और अपने पहले ओवर की पांचवी गेंद पर ब्रूक्स को आउट करके अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली विकेट हासिल की और फिर टीम के सभी खिलाड़ी खुश होकर दीपक हुड्डा की तरफ भागे और उनको अपने इंटरनेशनल करियर की पहली विकेट हासिल करने पर मुबारकबाद दी। उसके बाद दीपक हुड्डा विराट कोहली के साथ गले लग जाते हैं और अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली विकेट सेलिब्रेट करते हैं और वहीं विराट कोहली भी उनकी पीठ पर थपथपाते हुए उनको अपने करियर की पहली विकेट हासिल करते हुए उनको मुबारकबाद देते हैं। इस दौरान विराट कोहली भी काफी खुश नजर आ रहे थे। आप ये देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दीपक हुड्डा के लिए कितना बड़ा लम्हा था। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 44 रनों से हरा दिया है। इस मैच में प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हुए 9 ओवर्स में 3 मेडन ओवर्स करवा के 12 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। दोस्तों इंडिया की ये परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।